नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज भाई मैं आपके लिए लेके आया हूँ i20 का स्पोर्ट्स वेरिएंट पेट्रोल इंजन के साथ। इसमें बताऊंगा भाई कंपनी 2023 में क्या फीचर ऑफर करती है और भाई कितनी इसकी एक्शोरूम कीमत है। भाई ये वाला वेरिएंट है ना, मेरे को सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है आज के टाइम तक। अब आगे आने वाले टाइम पर भाई नहीं पता कौन से वेरियंट में क्या हमें एक्शोरूम कीमत मिलेगी और क्या उसमें फ़ीचर कंपनी ऑफर करेगी, क्योंकि सबकी कीमत बढ़ने वाली है। मार्च से पहले पहले जितनी भी गाड़ियां सबकी कीमत बढ़ जाएगी 10-20-30 हज़ार, सबका आपको प्राइस इंक्रीज मिलेगा। कोई भी ब्रांड लो, कोई भी गाड़ी ले लो आप, तो हर एक गाड़ी की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि BS6 का फेज 2 आने वाला है 2023 के मार्च से पहले पहले। कंपनी भाई सब अपने इंजन्स को अपग्रेड कर देंगी जो भी नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के उनके अकॉर्डिंग, तो कीमत भाई सबकी बढ़ जाएगी। अब भाई इस वाले वेरिएंट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे फ्रंट में आपको जो ग्रिल मिलेगी वो पूरी ग्लॉसी ब्लैक कलर की मिलेगी। हुंडई का लोगो मिल जाएगा, जो इसका लोअर बम्पर पार्ट है वो भी पूरा ग्लॉसी ब्लैक मिलेगा। और भाई इसमें जो फॉग लैंप दिए गए हैं वो प्रोजेक्टर मिलेंगे येलो कलर के। और यहाँ पे आपको DRL भी मिल जाएंगी, ये ट्रायंगल टाइप से इसमें DRL मिलेगी फॉग लैंप के ऊपर। जो इसमें हेडलैंप दिए गए हैं वो भी हेलोजन मिलेंगे, और यहाँ पे आपको हेलोजन इसमें टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा। एक सिंगल बल्ब मिलता है इसका जो हेडलैंप है उसमें। बस भाई ये था यहाँ पे फ्रंट में। अब साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो इसमें जो टायर दिया गया है वो भाई मिल जाएगा 16 इंच का, 195/55R16 टायर का प्रोफाइल है यहाँ पे लिखा गया है। और भाई इसमें ये स्टील रिम मिलेंगे, ऊपर यहाँ पे कवर का यूज़ किया गया है, अलॉय व्हील नहीं है, ब्लैक कलर के इसमें आपको स्टील रिम मिल जाएंगे। और भाई आगे मिलेंगे डिस्क, पीछे मिल जाएंगे ड्रम ब्रेक। अब यहाँ साइड में दिखाऊँ तो क्रोम का यूज़ किया गया है इसके जो डोर्स हैं उनके ऊपर। यहाँ पे जो इसमें ORVM दिए गए हैं वो भी भाई बॉडी कलर मिलेंगे, टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा इनके ऊपर, बॉडी कलर मिल जाएंगे इसके डोर हैंडल। बी पिलर मिलेगा ब्लैक टेप के साथ, ए पिलर मिलेगा बॉडी कलर। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो ये देखो नीचे इसमें जो रनिंग बोर्ड होता है उसके ऊपर भी ये ग्लोसी ब्लैक पार्ट मिलेगा प्लास्टिक का। और भाई इसके ऊपर i20 की यहाँ पे आपको बेजिंग भी मिल जाएगी। पीछे वाला टायर ये देखो भाई इस टाइप का है, यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। और इसके जो टेल लाइट है वो भाई जेड शेप में मिलेगी, यहाँ पे टेल लाइट के अंदर भी इसमें i20 लिखा गया है। कई जगह आपको i20 लिखा हुआ मिल जाएगा, नए वाला जो फेसलिफ्ट आया था इसमें यहाँ पर i20 का बैज है, यहाँ पे भी i20 लिखा गया है, वहाँ नीचे i20 लिखा गया है, और एक दो जगह है वो आपको बताऊँगा कहाँ कहाँ लिखा है। इसमें ये फ्यूल लिड इसका ऐसे ओपन हो जाएगा और ऐसे इसको बंद कर देंगे, बिल्कुल छुपा के लगाया गया है ये इसका जो फ्यूल लीड है, ताकि पता ना चले कहाँ है। डिज़ाइन इस टाइप से इसका किया गया है। अब भाई इसका रियर प्रोफाइल दिखाता हूँ आपको। इसमें जो टेल लाइट दी गई है वो भाई कनेक्ट है पूरा क्रोम के साथ, और इसमें लाइट नहीं जलेगी। जो वेन्यू है वेन्यू में लाइट जलती है, लेकिन i20 में लाइट नहीं जलती, i20 में सिर्फ ये जेड शेप में लाइट जलती है इतना ही। और भाई यहाँ पे मिल जाएगा ये पूरा हेलोजन सेटअप, ये है टर्न इंडिकेटर, ये है बैक गियर के लिए, और ये इसकी ब्रेक लाइट है, ये ऑलवेज ऑन लाइट है जो इसमें LED दिया गया है। अब भाई यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक मिलेगा, हुंडई का लोगो, नीचे यहाँ पे स्पोर्ट्स की आपको बैजिंग मिलेगी, i20 की वहाँ पे है। जो इसका बम्पर है बम्पर के ऊपर मिल जाएंगे दो पार्किंग सेंसर, जो लोअर बम्पर पार्ट दिया गया वो ग्लोसी ब्लैक मिलेगा, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर इसमें दिए गए हैं। और क्या बचा, हाँ यहाँ पे आपको वाइपर और वॉशर नहीं मिलेगा, डिफोगर मिल जाएगा, हाई स्टॉप लैंप यहाँ है, और भाई यहाँ पे मिल जाएगा शार्क फिन एंटीना। बाकी तो और क्या बचा, और भाई रियर में कुछ नहीं बचा। ये देखो भाई इसका टेल लाइट का डिज़ाइन मस्त लगती है, जब ये जलती है ना जलते हुए मस्त लगती है रात में। अब चलते हैं भाई इसके इंटीरियर में, और ये देखो भाई क्रोम जो दिया गया है ना साइड में डोर्स पे, यहाँ पे आपको की होल मिल जाएगा इसका जो डोर हैंडल है उसके ऊपर। अब इसके इंटीरियर की बात करूँ तो भाई इसमें ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलेगा जो स्पोर्ट्स वेरिएंट है। यहाँ पे इसके डोर पैनल की बात करूँ तो पूरा हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे मिलेगा, ये आपको ग्लोसी ब्लैक कलर में मिलेगा डोर ओपनर। यहाँ पे सारे कंट्रोल मिलेंगे, जो इसके ORVM है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल है, ये सेंटर लॉक के लिए, और भाई ये है चारों पावर विंडो के कंट्रोल, ये है चाइल्ड लॉक के लिए। ड्राइवर साइड की विंडो इसमें वन टच डाउन मिल जाएगी, नीचे एक लीटर की बोतल के लिए स्पेस, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा स्पीकर, ट्विटर दिया गया है यहाँ पे। अब बात करता हूँ इसकी सीट की, ये देखो भाई फैब्रिक सीट मिलेगी पूरी, ब्लैक कलर का फैब्रिक का यूज़ किया गया है, हाइट एडजस्टेबल सीट है, और यहाँ पे एडजस्टेबल इसमें हेडरेस्ट भी मिल जाएंगे। अब आपको दिखाता हूँ इसका डैशबोर्ड का डिज़ाइन, ये देखो भाई इसके डैशबोर्ड का डिज़ाइन।
आपको पूरा हार्ड प्लास्टिक मिलेगा जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर, इस टाइप का ये टेक्सचर इसमें दिया गया है। और भाई इसका जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी बड़ा है, जब आप इसमें बैठोगे देखोगे तो काफ़ी बड़ा डैशबोर्ड आपको ये दिखाई देगा। यहाँ पे अलग से स्पेस बनाया गया है, इस पे आप भगवान जी की फ़ोटो लगा सकते हैं या फिर परफ्यूम वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं वहाँ पे। और इसका जो डिज़ाइन है वो भी भाई थोड़ा अलग सा है, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये थोड़ा सा ऊँचा उठा हुआ है, ये थोड़ा सा डाउन है, और इससे पीछे वो वाला पार्ट है वो थोड़ा सा और डाउन है, वो देख सकते हैं आप वहाँ कोने में। इस टाइप से ये डिज़ाइन है, इस पर कुछ भी आप सामान वगैरह यहाँ पे रख दोगे तो भाई नीचे नहीं गिरेगा वो, इस टाइप से इसको डिज़ाइन किया गया है। अब भाई यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ये प्लेन मिलेगा, मैट ब्लैक प्लास्टिक मिल जाएगा पूरा। ये इसमें 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ एक बार, पहले की दिखा दूँ आपको। इस टाइप की इसमें एक की मिलेगी, फोल्डेबल की है, 3 इसके ऊपर बटन मिल जाएंगे, जैसे हुंडई की आती थी वैसी इसमें की मिलेगी, एक ये सिंपल वाली की इसमें दी गई है। अब करते हैं इसको ऑन। ये देखो भाई इसका इंटरफेस पूरा डिजिटल, इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, साइड में यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्पीडोमीटर, ये मिल जाएगा टैकोमीटर, और भाई पूरा डिजिटल सेटअप है, एनालॉग टाइप से दिखाने की कोशिश की गई है इसमें। और भाई यहाँ पे आपको ये डिजिटल इसमें स्पीड शो करेगा, यहाँ पे फ्यूल शो करेगा, बीच में MID है, यहाँ पे RPM शो करेगा, और यहाँ पे टेम्परेचर शो करेगा। वार्निंग लाइट्स कुछ यहाँ हैं, कुछ वार्निंग लाइट्स यहाँ पे हैं। MID की बात करूँ तो भाई उसके लिए यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हैं स्टेयरिंग के ऊपर ही। इसमें आपको फ्यूल इकोनॉमी, TPMS और ये कुछ और सेटिंग, लाइट डोर से रिलेटेड यहाँ पे आपको सेटिंग मिलेगी। और इसमें यहाँ पे जैसे एवरेज वगैरह शो कर रहा है फ्यूल इकोनॉमी में, और भाई यहाँ पे एक्युमुलेटेड इन्फो, और भाई ये आ गया ड्राइव इन्फो। नीचे यहाँ पे टेम्परेचर शो करता है, यहाँ पे ओडोमीटर, ट्रिप वगैरह भी भाई यहाँ पे आपको शो करेगा, ऊपर डिस्टेंस टू एम्प्टी। और इसमें भाई क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा स्पोर्ट्स वेरिएंट में, यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल मिलेंगे। इसके स्टेयरिंग की बात करूँ तो भाई ये टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ मिलेगा, टेलीस्कोपिक इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। सिल्वर सैटन फिनिशिंग यहाँ पे मिल जाएगी, पूरा राउंड शेप में मिलेगा इसका जो स्टेयरिंग है, रबड़ रैप स्टेयरिंग दिया गया है। और भाई यहाँ पे एक एयरबैग मिल जाएगा, हुंडई का लोगो, एक एयरबैग मिलेगा वहाँ पे। यहाँ पे मिल जाएगा वाइपर के लिए स्ट्रोक, और भाई यहाँ पे मिलेगा हेडलैम्प के लिए, ऑटोमेटिक हेडलैम्प इसमें दिए जाते हैं। यहाँ पे मिल जाएगा हेडलाइट लेवलर। भाई ये वाला पार्ट हो गया, अब बात करते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम की। इसमें आपको ये 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, यहाँ पे फिजिकल बटन दिए गए हैं दोनों साइड में। और भाई इसमें जो और फीचर्स वगैरह हैं वो बताऊँ तो इसमें जैसे फ़ोन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मैनुअल, वॉइस मेमो, रेडियो, मीडिया सेटिंग, DRVM, ये इसमें सारी चीज़ें मिलेंगी। DRVM का आपको पता ही है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो बैक कैमरा ऑन हो जाएगा। और भाई सेटिंग में देखें, साउंड, डिवाइस कनेक्शन, डिस्प्ले, ब्लूटूथ, जर्नल, वाईफाई, व्हीकल, ये इसमें सारे फीचर मिल जाएंगे। बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जो बेसिक फंक्शन होते हैं वो सारे इसमें मिल जाएंगे। और भाई इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह वो आपको मिल जाएगा, वायर के थ्रू उसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे USB पोर्ट ये दिया गया है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले यूज़ करने के लिए, या फिर भाई इसके अंदर आप पेन ड्राइव वगैरह भी लगा सकते हैं। 12 वोल्ट का यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, 120 वाट का। यहाँ पे मिल जाएगा थोड़ा सा स्पेस फ़ोन वगैरह रखने के लिए। और भाई यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये डिस्प्ले, ये टेम्परेचर के लिए यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे मिलेगा ब्लोर के लिए, ये नीचे कुछ और कंट्रोल्स मिल जाएंगे फिजिकल बटन से इसके। और भाई ये वाला पार्ट भी पूरा मैट ब्लैक कलर में मिलेगा। यहाँ पे जो इसका डिज़ाइन है ना वो भाई काफ़ी अलग है पुराने वाले i20 से, या दूसरी जितने भी कार्स हैं इस सेगमेंट में उनसे अलग है। जो इसके ये वेंट्स हैं ये बिल्कुल मर्ज हो जाते हैं इसके डिज़ाइन में, पता नहीं चलता कि यहाँ पे एसी के वेंट भी हैं। ये देखो ये लाइंस आके पूरा इनको अपने अंदर मर्ज कर लेती हैं, ये सेंटर वाले एसी के वेंट हैं, उधर साइड वाला एसी का वेंट वो वहाँ पे है। यहाँ पे मिल जाएगा हैजार्ड लाइट का स्विच, चारों इसके टिक टिक इंडिकेटर ऑन हो गए, और भाई ये ब्लिंकर रहा है साथ में, जैसे इसके इंडिकेटर ब्लिंकर है ना वैसे ये भी ब्लिंकर रहा है यहाँ पे लाइट। और क्या बचा, यहाँ पे भी भाई सेम टेक्सचर दिया गया है जो यहाँ पे दिया गया है मैट ब्लैक कलर का। यहाँ पे आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा। और गियर नॉब की बात करूँ तो भाई ये पूरा रफ ब्लैक प्लास्टिक में मिलेगा, ग्लोसी ब्लैक नहीं है। और भाई यहाँ पे आपको मिल जाएगा कप होल्डर, ये है इसका हैंड ब्रेक। आर्म रेस्ट की बात करूँ तो भाई ये सॉफ्ट टच के साथ है, इसको ओपन करूँगा तो इसमें आपको स्पेस मिल जाएगा, यूजेबल स्पेस है, इसमें फ़ोन और आप अपना वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। अब इसके ग्लव बॉक्स की बात करूं तो भाई ये कूल्ड है, पीछे वहां पे इसमें ये दिया गया है वेंट, लाइट वगैरह इसमें नहीं मिलेगी, डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। यहां पे ग्रैब हैंडल दिया गया है, वैनिटी मिरर भी इसमें मिल जाएगा। और भाई यहां पे दिया गया है ये सनग्लास होल्डर, येलो कलर की इसमें कैबिन लाइट मिलेगी, माइक यहाँ पे दिया गया है। और इसके IRVM की बात करूँ तो डे नाइट एडजस्ट करने के लिए आपको IRVM मिल जाएगा।
यहाँ पे टिकट होल्डर भी दिया गया है। अब भाई फ्रंट का पार्ट हो गया पूरा, यहाँ पे जो जो फीचर्स वगैरह मिलते हैं वो सारी चीज़ मैंने बताई दी, जो जो इसमें कंपनी ऑफर करती है स्पोर्ट्स वेरिएंट में। अब बात करते हैं सेकंड रो की, वहाँ पे देखते हैं क्या कुछ इसमें मिलेगा। अब डोर पैनल दिखाऊँ सबसे पहले आपको, ये देखो पूरा ब्लैक कलर में है, क्योंकि इंटीरियर भाई पूरा ब्लैक है तो हर जगह आपको इसमें ब्लैक कलर ही मिलेगा। सीट्स भी पूरा प्लास्टिक पार्ट जितना भी है पूरा ब्लैक कलर में ही है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है पावर विंडो के लिए कंट्रोल, ये इसका भाई डोर ओपनर मिल जाएगा, 1 लीटर की बोतल के लिए स्पेस, स्पीकर, ट्विटर नहीं है भाई पीछे वाले डोर पे, आगे इसमें आपको ट्विटर मिल जाते हैं। सीट्स की बात करूँ तो भाई पूरी बेंच सीट मिलेगी और इस पे आपको 3 सीट बेल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आइसोफिक्स सीट के लिए हुक भी मिलेंगे और इसमें जो हेडरेस्ट दिए गए हैं वो भाई फिक्स हैं, छोटे छोटे से यहाँ पे हेडरेस्ट ये दिए गए हैं, बीच में कोई भी इसमें हेडरेस्ट नहीं मिलेगा, आर्मरेस्ट भी नहीं मिलेगा और भाई कोई कप होल्डर वगैरह कुछ नहीं मिलता, क्योंकि पूरी बेंच सीट ये दी गई है, फोल्डेबल है, यहाँ से इसको फोल्ड कर सकते हैं आप। 3 सीट बेल्ट का ऑप्शन मिलता है जैसे मैंने बता दिया। अब बैठ के दिखाऊँ आपको इसमें एक बार कैसा इसका स्पेस है और क्या इसमें कंफर्ट आपको मिलता है। अब भाई i20 है, प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है ये, तो स्पेस तो इसमें मिलेगा ही मिलेगा और भाई इसमें आपको फीचर्स भी मिलते हैं पीछे की तरफ, जैसे यहाँ पे AC का वेंट मिल जाएगा, फ़ोन वगैरह रखने के लिए यहाँ पे अलग से स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इसमें ये USB पोर्ट। और इसका स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे ये देखो बिल्कुल लंबी टांगे करके बैठ सकते हो आप, बिल्कुल फैल के इसमें आपको इतना यहाँ पे नी स्पेस मिल जाएगा। और भाई इसमें अंडर थाई स्पोर्ट की बात करूँ तो वो आपको एवरेज मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं कह सकता मैं, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब दिक्कत आएगी भाई इस बात की, यहाँ पे जो इसमें टनल दिया गया है वो काफ़ी ऊंचा है, सेंटर वाले बंदे को यहाँ पे बैठने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बस ये प्रॉब्लम है, बाकी तो यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम है नहीं, 3 बंदे आराम से बैठ जाएंगे। काफ़ी चौड़ी सीट दी गई है और कंफर्टेबल है। इसकी कुशनिंग की बात करूँ तो भाई वो भी इसमें ठीक ठाक दी गई है। पीछे तो मैंने बता ही दिया जो जो इसमें चीज़ें मिलती थी, 3 सीट बेल्ट मिलती हैं फिक्स, इसमें ये हेडरेस्ट मिल जाएंगे, ग्रैब हैंडल यहाँ पे दिया गया है पीछे के लिए, येलो कलर की ये कैबिन लाइट मिल जाएगी, यहाँ पे हुक मिलेगा ग्रैब हैंडल के ऊपर। और भाई सीट्स के पीछे पॉकेट्स, हाँ इस वाली सीट के पीछे पॉकेट मिल जाएगी, यहाँ पे आपको पॉकेट नहीं मिलती। अब आपको दिखाता हूँ इसका बूट स्पेस, कैसा इसमें बूट स्पेस मिलता है। बूट ओपन करने के लिए भाई यहाँ पे दिया गया है ये मैग्नेटिक बटन, पार्सल ट्रे मिल जाएगी, कोई भी बूट लैंप वगैरह नहीं मिलेगा, हुक मिल जाएंगे दोनों तरफ यहाँ भी और यहाँ भी। इसमें नीचे स्पेयर व्हील दिया गया है, जो उसका साइज़ बताऊँ तो वो है 185/65R15, छोटे साइज़ का इसमें स्पेयर व्हील मिलेगा और भाई 311 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। वैसे एक बड़ा ट्रॉली बैग और जो छोटे बैग्स होते हैं वो बिल्कुल कम्फर्टेबली इसमें आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं भाई इसके इंजन की, यहाँ से होगा भाई इसका इंजन भी ओपन। ये देखो भाई इसका 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन दिया जाता है इसमें और भाई काफ़ी रिफाइंड है। ह्यूंडई के इंजन को भाई सबको पता है कि कितने ज़्यादा रिफाइंड होते हैं, बिल्कुल साइलेंट होते हैं ये। अब भाई इसकी पावर की बात करूँ तो इसमें आपको मिल जाएगी 81 BHP की पावर और 114 Nm का टॉर्क मिलेगा। बाकी चीज़ें दिखाऊं तो यहाँ पे ये मिलेगा भाई वॉशर के लिए टैंक, यहाँ पे मिल जाएगा इंजन ऑयल के लिए गेज, यहाँ पे इंजन ऑयल डालने के लिए ये है ब्रेक ऑयल के लिए, और भाई यहाँ पे कूलेंट के लिए ये मिलेगा एयर फिल्टर, यहाँ पे मिलेगा फ्यूज़ बॉक्स, ये है बैटरी, नीचे यहाँ पे दिया गया है ABS यूनिट। और भाई इसमें आपको कंपनी क्लेम करती है माइलेज CT में 11 की और जो ARI माइलेज है वो है भाई 21 की। अब भाई मिला जुला सा माहौल है, अगर आप इसको हाईवे और सिटी दोनों में चलाओगे तो 17-18 तक ये माइलेज निकाल देगी। पेट्रोल इंजन है 1200 सीसी का 4 सिलेंडर और भाई आपको पता है पेट्रोल इंजन के बारे में, जितना ज़्यादा हार्ड एक्सीलरेट करोगे, जितना ज़्यादा इसको आप रफ़ यूज़ करोगे उतना कम माइलेज देगी, बाकी प्यार से यूज़ करो लाइट फुट पे तो भाई माइलेज भी अच्छी खासी निकाल देगी। 37 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिलेगा। अब भाई बात आती है ये वाला वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी क्यों लगता है मेरे को और भाई आपको भी लगेगा। इसके अगर मैं एक्सटीरियर में बताऊं, इसमें आपको प्रोजेक्टर फॉग लैंप मिलेगा, DRL मिल जाएगी, ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल है, ORVM के ऊपर टर्न इंडिकेटर मिलेंगे, सार्क फिन एंटीना मिल जाएगा,
और भाई पीछे इसमें जो लाइट दी गई है वो भी वैसी हैं जो टॉप वेरिएंट में मिलती हैं जेड शेप की, और साइड में इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन वाले ये स्टील रिम मिल जाएंगे। और भाई इंटीरियर में इसमें आपको टच म्यूजिक सिस्टम मिलेगा 8 इंच का, क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल मिलेंगे, और भाई एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, सीट इसकी हाइट एडजस्टेबल मिलेगी। तो जो बेसिक से फीचर होते हैं वो भाई सारे इसमें मिल जाते हैं, किसी भी चीज़ की आपको यहाँ पे कमी नहीं लगेगी। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल इसके ORVM है, चारों पावर विंडो हैं। तो भाई जितने भी मतलब फीचर होते हैं ना एक नॉर्मल कस्टमर जो देखता है वो इसमें सारे मिल जाएंगे, बाकी और जो दिखावटी फीचर है वो तो नहीं मिलेंगे, जैसे सनरूफ वगैरह है वो उस टाइप के इसमें फीचर नहीं मिलेंगे। बाकी अगर इसमें सनरूफ दे दी जाए तो भाई ये तो ज़बरदस्त वेरिएंट बन जाएगा, फिर तो भाई ये पूरे मार्केट में ना अकेला ही कब्जा कर लेगा, इस टाइप का वेरिएंट बन जाएगा अगर इसमें सनरूफ आ जाए तो। तो भाई अब ये था i20 का स्पोर्ट्स वेरिएंट। इसकी मैं कीमत की बात करूँ तो भाई 7,97,200 रुपये इसकी एक्सशोरूम कीमत है। आने वाले टाइम पे इसकी कीमत बढ़ भी सकती है क्योंकि अब BS6 का फेज 2 आने वाला है, उसके जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग सारे इंजन अपग्रेड होंगे, तो भाई सब गाड़ियों की कीमत बढ़ेगी हर एक ब्रांड की। अब भाई मौका है जिसको भी लेनी है, जनवरी में 7,97,200 इसकी एक्सशोरूम कीमत है। ऑन रोड कीमत भाई आपके एरिया में पता कर सकते हैं आप या गूगल करके पता कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो बदलती रहती है शोरूम टू शोरूम और सिटी टू सिटी वो चेंज होती रहेगी। इसका मैंने सारी चीज़ बता दी, इसका फीचर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, वैल्यू फॉर मनी क्यों है, इसकी माइलेज, इसकी एक्सशोरूम कीमत, सब कुछ मैंने बता दिया। अब भाई कमेंट करके आप बताओ आपको ये गाड़ी कैसी लगी, ये वाला वेरियंट आपको वैल्यू फॉर मनी लगता है या नहीं। और भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।